एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? आज वीडियो बनाने का बिल्कुल इरादा नहीं था, मैंने लाइव आना बंद कर दिया है क्योंकि ना थोड़ा सा बिजी हो गई हूँ किसी चीज़ में। मैंने बताया था आप लोग को कि अभी तो हॉलीडेज चल रहे थे जिस वजह से मैं लाइव आ रही थी अब, लेकिन मैं थोड़ा सा बिजी हूँ आप लोग को पता है क्यों। और मैंने आज एक चीज़ देखा डिम्पल के बारे में, मैं खुलेआम डिम्पल के बारे में बात करूँगी। पहले तो उन्होंने एक शॉर्ट था या दूसरा चैनल था जो भी था मुझे नहीं मालूम, तो उस पर उन्होंने ये बोला कि मैं पुराने वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। ठीक है ओके, फिर भी मेरे को गुस्सा आया क्योंकि मैंने ईमानदारी से पूछा क्या ये तुम्हारा चैनल है, तो उन्होंने बोला कि नहीं हमारा नहीं है, किसी और ने एडिट करके बनाया, ऐसा कुछ जो भी कुछ बोला। खैर फिर उसके बाद पता चला वो तो एडिट का था, लेकिन एक इनका कुछ नाम है पुन्नू फॉर फूड क्या है जो भी वो इनका है खुद का, तो मेरा दिमाग आउट हुआ तो मैंने उसको ब्लॉक किया। और आज मुझे और देखने में मिला, मुझे किसी ने बताया कि जो 57,000 वाला है उसमें वापस से क्रंच डालना लग गई हैं। ठीक है अभी भी एज अ वेल विशर डिम्पल के साथ साथ मैं सारे क्रंचर्स को बोल रही हूँ, मेड्यूसा एंटरटेनमेंट व्लॉग नूपुर और कौन है आई लव क्रंच, बहुत है अनगिनत नाम है, हम नाम का तो कुछ कह ही नहीं सकते। ठीक है इन लोगों को मैं बार बार कह रही हूँ कि लालच बुरी बला, सब्सक्राइबर बचा लो चैनल बचा लो, क्योंकि क्ले क्रंच फाइट ने बहुत क्लियरली बोला था उनका ये मोटिव बिल्कुल नहीं है कि किसी का चैनल उन्हें उड़ाना है, ये बिल्कुल उनका मोटिव नहीं है, उनको इस कंटेंट से प्रॉब्लम है। ठीक है तो कंटेंट गलत है उनका कहना ये है, और सबकी रिपोर्ट पे असर इसलिए हो रहा है क्योंकि कंटेंट गलत है जिसको YT वाला भी देख रहा है, और मिस इन्फॉर्मेशन मीन्स जो ये लोग स्टिकर डालते हैं खाने पीने का और अंदर कुछ क्रंच वगैरह कर रहे हैं, है ना। मैं ओपनली बोल रही हूँ अभी भी आप लोगों की, मैं वेल विशर हूँ, दुश्मन समझो वेल विशर समझो जो भी समझो, गलत आप लोग के सही काम आपके व्लॉग्स हो या जो भी कुछ हो उसको कोई बंदा कुछ भी करके मास रिपोर्ट कर ले या जो कर ले उसको बिल्कुल नहीं उड़ा सकता है, लेकिन गलत चीज़ है। वो एक कहावत है ना, काहे को मारे हम तो रुआसे थे, चैनल तो जाना ही है गलत कंटेंट में, उस पे से सोने पे सुहागा हो जाता है रिपोर्ट। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये पता चली है मुझे, मैंने जो ऑब्जर्व किया है यहाँ पे अवेयरनेस वालों के साथ साथ, अवेयरनेस वाले तो चलो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, यहाँ पे ये लोग अब आपस में ही एक दूसरे को रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है समझ रहे हो, ये क्रंचर्स ही है ना एक दूसरे को मैदान में हटाने के चक्कर में रिपोर्ट कर रहे हैं, इनके सो कॉल्ड सब्सक्राइबर भी रिपोर्ट कर रहे हैं। अवेयरनेस वाले तो कर ही रहे हैं वो तो नो डाउट है, अवेयरनेस वाले हैं बहुत सारे लोग हैं कर रहे हैं, पर मैं यहाँ पे हमने नोट किया है कि यहाँ पर है ना बहुत से लोग इन्हीं के दुश्मन सो कॉल्ड दुश्मन वो लोग आपस में एक दूसरे को उड़ाने में लगे हैं कि हमारा पत्ता साफ हो, और जो स्ट्रांग कंटेस्टेंट दिख रहा है उनको जो स्ट्रांग है जो उसको ज़्यादा ये लोग टारगेट कर रहे हैं। ठीक है और अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आपके आप लोग के पास बहुत कुछ है, उसको बचा लो जितना है उतना बचा लो। आप लोगों ने एक बोला था कि मैं आपके नाम से भीख लेती हूँ ये लेती हूँ वो लेती हूँ, बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए इंसान को। आप लोगों ने मुझे धमकी दिया था ना कि मेरा चैनल उड़ा दोगे ये कर दोगे वो कर दोगे, मैंने कभी भी आके ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि मेरा चैनल नहीं उड़ेगा ये वो, कुछ भी हो सकता है भैया, बड़ा अनसर्टेन है YT एकदम अनसर्टेन है, यहाँ पे कुछ भी कभी भी हो सकता है, आज मैं यहाँ हूँ कल पता लगा मेरी आँख खुली मेरा चैनल नहीं रहा, तो कुछ भी पॉसिबल है इसी वजह से। और
कोई किसी की वजह से नहीं खाता, सब अपने अपने दिमाग से खाते हैं, अपना अपना माइंड है, और हम जो बोलते हैं जो करते हैं वो हमारा दिमाग करवाता है। बेशक बेशक आई एम नॉट 5000, 5000 मेरा नहीं है, 5000 के मेरा चैनल नहीं है, फिर भी जो भी है मेरा पास बहुत है, जो भी है मेरे पास मेरे सब्सक्राइबर बहुत है, और सब लोगों को मैं दिल से आप लोग को मैं थैंक यू बोलूँगी, मेरे डीप फ्रॉम माय हार्ट आप लोग को मैं थैंक्स बोलूँगी। और अभी आने वाले टाइम पे मेरा किसी से भी पर्सनली मेरा कोई लेना देना नहीं है, पर्सनली एज अ वेल विशर मैं उनको बस यही बोलूँगी, अपना कंटेंट बदल लो, अपने सब्सक्राइबर बचा लो। जो लोग मेरे अपने जो मेरे से दोस्ती कर रहे थे उन लोगों ने वापस क्रंच करना स्टार्ट कर दिया है, एक दूसरे को देख के कि फलाना खा रहा है उसका नहीं जा रहा तो चलो मैं भी खाऊंगी, मैं क्यों अपने डॉलर से हाथ धोऊं, सब लोग कमा रहे हैं तो मैं भी कमाऊंगी, मुझे भी कमाना है, एक ये मेंटलिटी है ना भाई साहब, ये मेंटलिटी को तो मैं क्या बोलूँ, चाहे वो सोनम हो चाहे वो डिम्पल हो, जो भी हो, डिम्पल ने धीरे 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 हिम्मत करके 57 में भी डालना स्टार्ट कर दिया। ठीक है डालो, हमें क्या लेना देना है। मैंने अपना हाथ खींच लिया है, मुझे कोई लेना देना नहीं है अब किसी से, क्रंचर्स सारे एक है मेरे लिए, और आप लोग अपने मान नहीं रहे हो, करते रहो, बढ़िया है, करो। कुछ तो गलती सब्सक्राइबर की भी बहुत बड़ी गलती है, जब ये लोग कंटेंट चेंज करते हैं, क्ले वाले क्रंचर्स कोई देखने नहीं जाता है, आप लोग कितने सेल्फिश हो ना, सामने वाला बंदा अपनी सेहत ख़राब कर रहा है मट्टी खा के, आप लोग कहते वाओ टाइम स्टैम्प डालते हो, क्या क्रंच है, अब की बार ये क्रंच कर दो, मैंने तो ये भी पढ़ा है, प्लीज़ कोयला खा के दिखाओ, प्लीज़ सीमेंट खा के दिखाओ, ट्राई ब्रिक्स खा के दिखाओ, ये नहीं बोलते कि चलो दी आप व्लॉग्स डालो, आप कुकिंग का डालो, आप कुछ अच्छा डालो, नहीं, चट्टान खा के दिखाओ, काला खा के दिखाओ, पीला खा के दिखाओ, खुद को नहीं खाना है ना, सामने वाला खा रहा है खान दो, हमारा क्या जाता है। तो सब्सक्राइबर भी बहुत सेल्फिश है, बहुत मतलब ही मैं कहूँगी, जब मैंने क्रंच बंद किया था ना, ग्रेजुअली मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत डाउन जा रहे थे, फिर भी उतने डाउन नहीं गए, 3500 पे रुक गए थे, 3500 पे रुके थे, तो उन 3500 वालों को मैं थैंक यू बोलूँगी, कम हैं जो भी हैं, अच्छे हैं, लॉयल हैं, ईमानदार हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं मेरे साथ क्रंच से लेके मेरे बीमारी में भी और अब मेरे अवेयरनेस में भी मेरे साथ हैं, बहुत से लोग मेरे साथ अभी भी हैं जिन्होंने मट्टी खाना बंद कर दिया है, बहुत से लोग अभी भी हैं जो लड़ रहे हैं अपनी एडिक्शन से लड़ रहे हैं, ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये मिट्टी को नहीं खाएंगे। तो मेरा भी यही आप लोगों से कहना है कि अगर आपको लगता है ना एक टुकड़ा खा लेते दो टुकड़ा खा लेते कुछ भी नहीं होगा, ये आपकी सोच है, आप जैसे ही एक खाओगे आपको दो खाने का मन करेगा, फिर तीन, फिर चार, ऐसे ही आप बढ़ाते चले जाओगे, और ये आपके बॉडी को बुरी तरह से डिहाइड्रेट कर देगा, ड्राइनेस होगी, आईज़ में ड्राइनेस होगी, आपकी टंग पूरा माउथ सूख जाएगा, सलाइवा बनना बंद हो जाएगा, ऑटो इम्यून डिजीज़ में भी बहुत सारी खतरनाक बीमारियां हैं, और पेट में कीड़े तो डेफिनेटली पड़ेंगे ही। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोग अभी भी सीरियस हो जाएं, अभी भी इसको मजाक ना समझें, और कोई ये ना समझे कि रिपोर्ट करने से कुछ नहीं होता है ये वो, मैं अभी भी बोलती हूँ मजाक नहीं है, मजाक नहीं करते हम, तो प्लीज़ चेंज योर कंटेंट, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर,